हेलो व्हाट्सअप गाइस मैंने स्पिनोद बाजू था एंड टू डेन दिस पीडू बिल सी हाउ टू क्रिएट आवर ओन कस्टम हुक्स इन रिएक्ट एप्लीकेशन जी हाँ गाइज तो बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो को चेकआउट किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड uh, कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि हम कैसे लाइक कॉन्टेक्स्ट एपिया के साथ खेल सकते हैं देन यूज कॉन्टेक्स्ट हुक में एक एरर आता है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मैंने कल की वीडियो में बताया था तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अब आप अपना खुद का एक कस्टम हुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो ताकि आपकी लाइफ और ईजी हो जाए राइट तो आप देख सकते हो कि गाइस मैं अपने बेस कोड एडिटर पर आ चुका हूँ एंड uh, कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूँ ठीक है इसके लिए मुझे कोई सपरेट फाइल्स क्रिएट करने की नीड नहीं है जस्ट कस्टम हुक का मतलब ये होता है कि जो हुक्स आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो उस हुक की मदद से आप अपना खुद का एक कस्टम हुक्स क्रिएट कर सकते हो उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ आपने नोटिस की या नहीं कि ऑलवेज हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं रूल को एंड दैट इज़ डू नॉट रिपीट योर राइट बट एक चीज़ तो आपने नोटिस किया बहुत क्लियरली एंड दैट इज़ मेरे सर्विसेज पेज पे ये जो पर्टिकुलर लाइन है एंड दैट इज़ ये यूज कॉन्टेक्स्ट बायो कॉन्टेक्स्ट ठीक है मैं अगर अबाउट पे चलता हूँ सेम वी हैव यूज कॉन्टेक्स्ट बायो कॉन्टेक्स्ट एंड ये दो लाइन ऊपर मुझे इम्पोर्ट करना पड़ रहा है सेम अगर मैं uh, मेरे होम पे चलता हूँ अगेन वी हैव द सेम पीस ऑफ कोड एंड देन अगेन ऑन टॉप वी हैव लाइक दिस टू लाइन्स ऑफ इम्पोर्ट स्टेटमेंट तो बार बार रिपीट हो रहा है एंड ये हुक ही है तो कस्टम हुक को क्रिएट करने के कुछ रूल्स है पहले हम उसको फिगर आउट करते हैं समझते हैं देन हम वो कस्टम हुक्स क्रिएट करके उसको और सिंप्लीफाइड करते हैं तो कैसे इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ बहुत सेट हो जाएगी ठीक है देख लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल नो मैटर वॉट आप लाइफ में नहीं भूलना डैट इज़ कि अगर आप अपना खुद का कस्टम हुक्स भी क्रिएट करोगे उस समय आपको जो आपका प्रिफिक्स है वो आपका यूज ही होना चाहिए जैसे यूज स्टेट हुक यूज इफेक्ट हुक यूज रिड्यूसर जो हम बाद में पढ़ेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो तो बाई डिफॉल्ट यूज तो आता ही है तो जब आप अपना खुद का कस्टम हुक्स क्रिएट कर रहे हो तब भी तो आपको यूज की यूज करना ही पड़ेगा तो ये आपका रूल है भले ही आप अपना खुद का कस्टम हुक बनाओ बट यू हैव टू यूज यूज एज प्रिफिक्स ठीक है एंड या कन्वेंसन यही है सिंपल बस इतना देन यूज बिल्ट इन हुक्स कस्टम यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है ये लाइन जो है कस्टम हुक्स शुड यूटिलाइज रिएक्ट बिल्ट इन हुक्स एग्जाम्पल ये 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 टू लेवरेज रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर मतलब आप भले ही अपना कस्टम हुक्स क्रिएट कर रहे हो लेकिन वो ऑब्वियसली कोई ऐसे हुक्स होगा या कोई ऐसे फंक्शंस है जिसको आप सिंप्लीफाइड करने के लिए बना रहे हो तो आप यूज आई मीन अपना जब कस्टम हुक्स आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर आप जेन्यून जो एक्चुअल हुक्स है उसको भी आप यूज़ करना या उसको भी आप यूज कर सकते हो बेसिकली हम 90% केस में यूज करते ही है ठीक है एंड फिलहाल अभी मैं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है उसको मैं सिंप्लीफाइड करने वाला हूँ देन अवॉइड थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हो बता रहा है दैट इज़ अवॉइड साइड इफेक्ट आउटसाइड हुक्स तो जब भी आप कस्टम हुक्स क्रिएट करते हो चाहे कुछ भी हो साइड इफेक्ट्स जैसे डेटा को फैच करना जैसे हम फोकीमोन ए पी हमने फैच की थी या सब्सक्रिप्शन मैनेज करना हो शुड बी मैनेज विथ इन हुक्स यूजिंग यूज इफेक्ट और अदर अप्रोप्रेट हुक्स तो ये जो थर्ड एंड देन ये जो फोर्थ पॉइंट है ये जस्ट एक आप समझ सकते हो कि लाइक रिमाइंडर की तरह है कि भाई हाँ अगर साइड इफेक्ट हो तो उसको यूज इफेक्ट के अंदर ही करना कोई अपना एक कस्टम हुक बना के अपना ही अलग दुनिया मत बना देना कुछ वो बता रहा है एंड दूसरा ये तो आपको मालूम है कि इन रिएक्ट वी हैव अ प्योर कंपोनेंट्स प्योर फंक्शंस तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हुँ। चाहे हुँ हो चाहे वो आपका कस्टम हुक से क्यों ना हो यू नीड टू मेक इट फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स ठीक है सो या आई गेस ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपको पता चल गया होगा तो मैं आप आपको बताता तो हूँ कैसे करना है या या परफेक्ट नाउ ध्यान से देखिए आपको क्या करना है आपका जो मेन इंडेक्स डॉट जे है या yeah, लेट्स आप इसको कॉन्टेक्स्ट डॉट जे भी बोल सकते थे जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे तब हम एकदम डेप्थ में जाके करेंगे बट दिस इज आवर कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट स्टेप वी नीड टू क्रिएट अ क्रिएट कॉन्टेक्सट वी नीड टू क्रिएट अ प्रोवाइडर कंपोनेंट एंड उसके अंदर भी आपको प्रोवाइडर प्रॉपर्टी पास करनी है विथ वैल्यू एज अ प्रॉप्स एंड ये सब आप कर सकते हो एंड एक और काम मैं दिखा सकता था यहाँ पे कि आप फंक्शंस भी पास कर सकते थे लेकिन ठीक है अब यहाँ पे देखना मैं अपना खुद का एक कस्टम क्रिएट करने जा रहा हूँ कस्टम हुक्स ठीक है कस्टम हुक्स क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे आप मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखिए कॉन्स्ट मैंने बताया ना कि अब अगर, अगर अपना एक कस्टम हुक्स आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा यूज़ कीवर्ड से एंड बायो कॉन्टेक्स्ट uh, इस तरीके से मैंने लिख दी देखो कॉन्टेक्स्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट तो हुक है ही बट मैं अपना खुद का एक कस्टम बना रहा हूँ तो मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बीच में बायो डाल दिया इट मीन्स यूज़ बायो कॉन्टेक्स्ट तो अपने को पता चल रहा है कि अच्छा ये किस चीज़ के लिए दिस इज़ इट सिंपल कॉन्स्ट एक कॉन्टेक्स्ट बना लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका यूज़ कॉन्टेक्स्ट देखो कहा था ना वहाँ पे सेकंड पॉइंट कि जब आप अपना खुद का कस्टम हुक्स क्रिएट करते हो तो आप मोस्टली 90 परसेंट केस में किसी एक्चुअल uh, हुक्स के साथ ही आप खेल रहे हो उसको आप और सिंप्लीफाइड कर रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यूज़ कॉन्टेक्सट हुक ली एंड उस पर इफ यू रिमेंबर ये जो हम बायो कॉन्टेक्स था ये जो एक्चुअल uh, कॉन्टेक्सट है उसको हम पास करते थे तो एटलीस्ट एटलीस्ट उससे तो मैं आप बच गया मैं क्या करूँगा रिटर्न आपका एक कॉन्टेक्स्ट दिस इज इट मेरा काम का खत्म एंड ये जो है पार्ट है उसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा खत्म यह है गाइस आपका कस्टम हुक एंड उसमें भी आपका एक्चुअल कस्टम हुक कौन है ये है यूज बायो कॉन्टेक्स्ट द मोमेंट आप इस फंक्शन को कॉल करते हो यह क्या रिटर्न कर रहा है इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को वो रिटर्न कर रहा है इसका मतलब ये कि ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को आप लिखने की नीड नहीं है आप ये लिख दीजिए आपका काम खत्म इट जस्ट आपको ये मेक्स्योर sure करना है कि आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा बट हाँ आप एटलीस्ट ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट एक लाइन से आप मुक्ति पा लिए एटलीस्ट जो ऊपर की जो दो लाइन थी उसमें से अब आपको सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ा एंड यहाँ पे जो बार बार यूज कॉन्टेक्स्ट हुक लिख के उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखना पड़ रहा था क्या पता आप भूल जाते राइट लाइक एक्चुअल में ना ये तो चलो सिर्फ एक कॉन्टेक्स था बिलीव में जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपका लेट्स uh, से uh, एक uh, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आप एक अलग कॉन्टेक्स्ट बनाओगे दूसरा एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आप एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट बनाओगे तो आप कितने भी कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो तो हर एक कॉन्टेक्स्ट का नाम अलग अलग हो सकता है तो आप अगर आप इस तरीके से अपना खुद का एक यूज़ बाय कॉन्टेक्स्ट बात ही खत्म यूज़ डेटा कॉन्टेक्स्ट यूज़ सब्सक्रिप्शन कॉन्टेक्स्ट यूज़ लॉग इन कॉन्टेक्स्ट यूज़ लॉग आउट कॉन्टेक्स्ट मतलब आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बनाओगे तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की नीड ही नहीं पड़ेगी कि एक्चुअल में कंटे कॉन्टेक्स्ट का क्या नाम था तो अब आप बस आपका काम हो गया तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ ये देखो मुझे मेरा डेटा आ रहा है दिस इज़ माई विनोद एंड थर्टी ईयर्स ओल्ड विनोद एंड थर्टी ईयर्स ओल्ड कैसे आ रहा है बोलने से देखो या तो आप ये करो या तो आप ये करो देखो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे दो लाइन एंड यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक लाइन पे मेरा काम कर दिया है ना तो बस अब यही कीजिए इसको कॉपी कीजिए अबाउट पे आइए इसको हटा के पेस्ट बस आपको मेक श्योर sure करना है एंटर एंड दिस इज इट अब इसको हटा दीजिए इसको हटा दीजिए इसको कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट uh, करो इसको हटाओ दिस इज इट देखो कितना इजी हो गया ना आपका जस्ट एक कस्टम हु से आपका ये पार्ट कितना ज़्यादा इजी हो गया देखो आई I मीन mean, देख रहे फिलहाल अभी भले ही ये छोटा हो बट स्टिल इट्स यूजफुल आपको आइडिया आ गया कि आपका ये जो कस्टम हुक है कितना यूजफुल है जस्ट आपने वन टाइम उसको क्रिएट की एंड आपका ये काम हो गया तो ये था ना कितना ज़्यादा यूजफुल बट गैस यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड दैट इज जो हमने कॉन्टेक्स्ट बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के समय आपको मैंने बताया था देर इज़ अ प्रॉब्लम एंड दैट इज कि द मोमेंट द मोमेंट अगर आप कोई भी कंपोनेंट को आउटसाइड या प्रोवाइडर कंपोनेंट रख देते हो यू नो या बेसिकली प्रोवाइडर बायो प्रोवाइडर के अपने बाहर रख दिया तो आपको एरर आएगा एंड द मोमेंट वो एरर आता है बिकॉज हमारा वो जो सर्विसेज कंपोनेंट जो है वो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है हमारे प्रोवाइडर का राइट एंड जब वो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है तो वो कैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट का डेटा को एक्सेस कर सकता है ओब्वियसली ये मैंने आपको उस दिन की वीडियो में बताया था प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा अब मैंने उस दिन एक चीज़ बताई थी कि मैं आपको एक आ, ऐसा कोड शेयर करूँगा एक ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसके चलते आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि ये जो एरर आ रहा है क्यों आ रहा है अब जो अब आई मीन अब वो एरर आएगा तो आपको क्लियर बता देगा अच्छा बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये error आ रहा है कैसे मैं आपको बताता हूँ देखो ये चलो अभी ये एज इट इज ही रखो आप नो प्रॉब्लम बट जब आप वापस जाओगे आपके इंडेक्स पे तो यहाँ पे देखो ना आप क्या कर रहे हो यूज़ कॉन्टेक्स्ट आप रिटर्न कर रहे थे राइट यहाँ पे आपने एक चीज़ करना कि अगर जब भी आप इसको यूज़ करते हो एंड अगर आपको इस तरीके से यहाँ पे देखो क्या आता है बहुत क्लियर एज़ इट इज़ अनडिफाइंड राइट तो वो पहले ही बोल देते हैं कि अनडिफाइंड इसको मैंने कॉपी की इफ़ आपका ये जो कॉन्टेक्स्ट है अगर ये आपको ट्रिपल इक्वल टू रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड राइट देन आप एक थ्रो यू कैन थ्रो अ न्यू एरर एंड गाइस अगर आपको ये नहीं मालूम कि थ्रो न्यू एरर क्या चीज़ है ये तो मैं बताना चाहूंगा जॉबस्क्रिप्ट बाई डिफॉल्टे हमें देता है एंड मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट जबस्क्रिप्ट कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इससे बेटर तो कहीं नहीं मिलेगा पूरा 22 घंटे का है पार्ट वन बेसिक पार्ट टू फुल एडवांस फाइनल प्रोजेक्ट में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए तो इसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा मजा आ जाएगा आपको ठीक है तो बस आपको लिखना है यहाँ पे कुछ तो एक लाइन मैंने लिखा है एंड दैट इज़ कि आप लिख सकते हो कि ये जो भी कंपोनेंट इट्स आउटसाइड योर एक्चुअल प्रोवाइडर कंपोनेंट तो इंस्टूट ऑफ ऑथ वो मैं लॉग इन लॉगआउट का कर रहा था उसके लिए ऑथ है वो बट बायो प्रोवाइडर सो कंपोनेंट मस्ट बी रैप्ड विथ बायो प्रोवाइडर सिंपल इतना अगर आप लिख देते हो अब अगर यहाँ पर मैं चलता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड बाय द वे अभी भी वही एरर आ रहा है उसके पीछे का रीजन है कि इट्स शुड बी अनडिफाइंड अनडिफाइंड तो बाई डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का एक डेटा टाइप है राइट right? तो uh, उसको एज अ स्ट्रिंग नहीं करना है आपको एक बार रिफ्रेश कीजिए एंड बूम, गए सी सी यही मैं आपको बताना हूँ। ये देख लीजिए कंपोनेंट मस्ट बी रैप्ड विथ बायो प्रोवाइडर कैसा लगा यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो अरे भाई बायो प्रोवाइडर के बाहर का कंपोनेंट वो डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है इसलिए ऐसा एरर आ रहा है आपकी मर्जी आपको जो लिखना है लिखो बट ये लिख के आपको पता चल रहा है कि बायो प्रोवाइडर के अंदर रैप्ड होना ज़रूरी है इससे अब आप आपको ये पता चलता है कि जब आप जाओगे ओ माई गॉड बायो प्रोवाइडर के तो बाहर है ये इसको अंदर करो द मोमेंट ऐसा कर दोगे वो एरर गया एंड सब एकदम बराबर परफेक्ट सो या दिस इज़ इट तो ये थे आपके कस्टम हुक आप कैसे क्रिएट कर सकते हो उस कस्टम हुक में भी हमने क्या कर दिया फाइनली हमने हमारा एक वैलिडेशन ऐड कर दी जिससे अभी क्लियर कट हो गया कि भाई अगर द मोमेंट किसी ने उसके बाहर आई I मीन mean, हमारे इस कॉन्टेक्स्ट के बाहर कोई दूसरा चाइल्ड अगर इस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली इस पर्टिकुलर डेटा को तो वो गलत नहीं कर सकता एंड ये इसकी कोई नीड नहीं की एंड वैल्यू बहुत अरसे में आप इसको हटा दो इस तरीके से सिंपल ठीक है सो या दिस इज इट आज इस वीडियो को इतना ही होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा कॉन्टेक्सट ए पी का पूरा आपको आइडिया आ गया होगा यूज कॉन्टेक्स हुक का एरर पता चला कस्टम हुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका रूल्स क्या वो पता चला वैलिडेशन हमने देखा तो कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप डार्क एंड देन लाइट मोड वाली जो वेबसाइट्स है उसको आप क्रिएट कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत मजा आने वाला वो भी एक प्रोजेक्ट है तो आई uh, नो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा सो गाइस वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड ये सारे के सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिली में जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आपको रियलाइज होगा वो माय गॉड सच में बहुत इंपॉर्टेंट था ये ठीक है तो गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा एंड uh, अगर आप थैंक्स बोलना चाहते हो तो वो इसके लिए भी कमेंट कर दीजिए मुझे बहुत खुशी होगी वीडियो को लाइक like कीजिएगा दोस्तों को भर भर के शेयर एंड नेक्स्ट टारगेट इज इस सेवन लैक्स सब्सक्राइबर एंड अगर आपके पास सिर्फ एक सेकेंड हो तो फट से क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब बटन बात ही खाता मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ठीक है तो गैस मिलता हो कल की वीडियो में टिल दिन गैस थैंक यू सो मच टेक केयर